द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हों या उनके समर्थक कार्यकर्ता हों, जो कोई भी वोट मांगने कहीं भी जा रहा है उनका भारी विरोध हो रहा है। कहीं सभाओं में भीड़ नहीं आती है तो कहीं बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी लगने लगते हैं। इस वक्त एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि हाथ में बीजेपी का झंडा है और कुछ लोग नारे लगा रहे हैं बीजेपी हाय हाय के। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोगों को पेड़ से बांध दिया गया है। ये वीडियो आप भी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ लोगों को पेड़ से बांध दिया गया है। कहा जा रहा है कि ये सभी बीजेपी के लिए वोट मांगने आए थे, लेकिन वहां जो नाराज लोग हैं, जो जनता है, उन्होंने इनकी क्लास लगा दी और ये फिर वहां पर बेबस होकर पेड़ से बंधे रहे। हालांकि इस तरीके से पेड़ से बांध देना यह उचित तो नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लहर है, जो गुस्सा है, उससे यह लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार 400 पार का जो नारा देती है वो सिर्फ खोखले दावे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं। जरा इस वीडियो में आप उस नारेबाजी को सुनिए, समझिए कि लोग कितने खफा चल रहे हैं। तो देखा आपने, इस वीडियो को समाजवादी प्रहरी ने शेयर किया है। यह वीडियो कहां का है लोकेशन नहीं बताया गया है, लेकिन जिस तरीके से वहां भाजपाई झंडा दिखाई पड़ता है और लोगों की भीड़ है, बीजेपी हाय हाय के नारे लगते हैं, उससे लगता है कि जिन्हें बांधा गया है वो शायद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं। लेकिन इस दावे की पुष्टि द लाइव टीवी भी नहीं करता है। समाजवादी प्रहरी, ये समाजवादी पार्टी के ही कोई हैंडल है ट्विटर का, जहां पर यह वीडियो शेयर हुआ है। जब हमने इनके ट्विटर हैंडल को देखा तो यहां पर बीजेपी के खिलाफ जितने भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं उनके वीडियो क्लिप्स शेयर किए गए हैं। तो हो सकता है कि यह वीडियो उसी से रिलेट करता हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ऐसी लहर सिर्फ एक जगह नहीं है। यह वीडियो बंगाल असम का भी हो सकता है या फिर किसी और जगह का भी हो सकता है। लेकिन इसके अलावा राजपूतों ने जो विरोध जाहिर किया है कि बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, कसमें खा रहे हैं, उनके वीडियोज भी खूब वायरल हो रहे हैं। खुद जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल, उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वो जब सभा करने जाते हैं तो भीड़ उठकर भागने लगती है। तो वहाँ पीछे से कोई नारा लगाता है कि तुम असली हिंदू हो तो 5 मिनट बैठ जाओ, बातें सुन लो। ये सिचुएशंस दिखाई पड़ते हैं। और बताइए कि ये लोग कह रहे हैं कि 400 पार का हमारा जो नारा है वो सफल है। आइए समाजवादी प्रहरी के कुछ विजुअल्स को, कुछ ट्वीट्स को दिखाते हैं कि यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट क्या है, देश में वाकई में माहौल क्या है। तो देखिए, जब अपने स्क्रीन पर समाजवादी प्रहरी ने ट्वीट में लिखा, उस पेड़ से बांधे जाने वाले वीडियो को शेयर करते हुए, ग्राउंड रियलिटी ऑफ अब की बार 400 पार, व्हेन बीजेपी वाले केम टू आस्क फॉर वोट्स दे वेयर वेलकम्ड लाइक दिस। कहा जा रहा है कि यह जमीनी सच्चाई है जो 400 पार का नारा बीजेपी देती है उसका। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब वोट मांगने आती है तो कैसे लोग उसका स्वागत करते हैं, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ वीडियो फुटेज आपको और दिखाते हैं ताकि आप समझें कि माहौल क्या है। समाजवादी प्रहरी ने एक वीडियो और शेयर किया है, इसमें आप देखेंगे कि बीच में एक पुलिसकर्मी है जो बीच बचाव कर रहा है, भाजपा कार्यालय है, और आपस में ही भाजपा के नेता कार्यकर्ता भिड़ने लगते हैं। से वहां पर आपको पुलिसकर्मी भी और सिक्योरिटी गार्ड भी दिखाई पड़ेंगे, लेकिन लोगों में इस तरीके से गुस्सा है कि मारामारी की नौबत है और बीच बचाव का सिचुएशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यह वीडियो जो है एक्चुअली अमरोहा यूपी की है, इसे लोकेशन के साथ भी शेयर किया गया है। क्या हो रहा है वीडियो में जरा देखिए आप।
तो देखा आपने, यहाँ पर समाजवादी प्रहरी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, अमरोहा उत्तर प्रदेश भाजपा देहात जिला कार्यालय बना जंग का मैदान, दो भाजपा नेताओं में चले थप्पड़, भाजपा जिला उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार और जिला मीडिया प्रभारी रमेश कलाल में हुई मारपीट, कैबिनेट राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह की प्रेस वार्ता के दौरान हुई मारपीट। अब बताइए कि कैबिनेट राज्य मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे हालात हो जा रहे हैं, तो यह बीजेपी के अंदरूनी कलह की सच्चाई है, वहां आम जनता भी सबक सिखा रही है। तो हर तरफ बीजेपी की फजीहत हो रही है, इसके बावजूद भी बीजेपी को लगता है कि भाई जीत तो उनकी होगी और 400 पार का नारा तो भाई कोई उन्हें रोक भी नहीं सकता है। समाजवादी प्रहरी ने एक और वीडियो शेयर किया जो राजपूतों ने महाबैठक बुलाई थी और उसमें फिर से भारी संख्या में भीड़ आई और इस भीड़ को कहा गया कि वचन दीजिए कि आप बीजेपी को वोट नहीं करेंगे और लोगों ने इस मामले में राम जी की सौगंध खाकर वोट नहीं देने की बात भी कह दी है। जरा आप देखिए इस वीडियो में क्या हुआ है। आप लोगों को कसम है भगवान श्री राम की, इस बार एक निर्णय लेंगे, आपने भगवान रघुकुल की कसम खाई, इस बार पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को कोई राजपूत वोट नहीं देगा। तो देखा आपने, समाजवादी प्रहरी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, मामला काफी आगे बढ़ गया है, पहले चरण के बाद ही कुछ समझौता होगा, पहले चरण में शायद समझौता ना हो पाए, राम की सौगंध काफी बड़ी बात हो गई। निश्चित तौर पर लोगों में गुस्सा है, क्षत्रिय समाज नाराज है बीजेपी से, गुजरात से उठा धुआं पूरे देश में फैलता जा रहा है और राजस्थान में तो कुछ ज्यादा हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है। ऐसे में राजपूतों ने अगर कसम खा ली तो फिर बीजेपी की मुसीबतें बढ़नी तय हैं। अब देखिए एक आखिरी वीडियो क्लिप दिखाता हूं, समाजवादी प्रहरी ने ही शेयर किया है, यह धौलपुर राजस्थान से है और यहां बताया जा रहा है कि जब भजन लाल भाषण दे रहे थे तो फिर वहां सुनने वालों को कोई इंटरेस्ट नहीं था, जाने लगे इन्हें महादेव की सौगंध, हिंदू होने का सौगंध दिला दिला कर रोकने की कोशिश हो रही थी। या देखिए आप वीडियो में क्या हुआ। काम किया या काम देख सकते हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड, भोले बाबा की कसम है, अगर 5 मिनट नहीं बैठे रहे कोई भी जाए, लौट के आओ, महादेव बाबा की सौगंध, लौट के आओ सब, बैठो 5 मिनट, भोले बाबा की सौगंध है, अगर जरा भी तुम हिंदू हो तो लौट के आओ, भोले बाबा की सौगंध है, रोको मोटो इन्हें, बैठो यहाँ बैठो। तो देखा आपने, समाजवादी प्रहरी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, धौलपुर राजस्थान, भजनलाल शर्मा के वादों पर भरोसा न कर जनता उठकर जाने लगी, मंच से आवाहन हुआ, महादेव की सौगंध, हिंदू हो तो बैठ जाओ, कसम देकर रोका जा रहा है, मीडिया कह रही है लहर है। तो सच्चाई अब सामने आने लगी है, कहीं जनता विरोध कर रही है तो कहीं पार्टी के भीतर ही कलह चल रही है और 400 पार का नारा भी खोखला ही साबित हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।